इंदौर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने देर रात चलती विद्युत लाइन से ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। ट्रांसफार्मर का कीमती सामान, तेल, कॉपर वायर, पीतल रोड, अन्य सामान चोरी कर रफ चक्कर हो गए। दरअसल कोतवाली शहर बिजनौर की ईदगाह रोड पर सड़क किनारे लगे 250 kW का ट्रांसफार्मर जो की हाई टेंशन लाइन 11,000 का था, देर रात चोरों ने इसे नीचे उतार कर उसका पुर्जा पुर्जा रख दिया और उसमें लगा कीमती सामान, एल्यूमिनियम वायर, तेल की चोर चोरी कर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने चलती विद्युत लाइन में इस घटना को अंजाम दिया जिसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। इधर आज सुबह घटना की सूचना मिलने पर विद्युत विभाग ने हड़कंप मच गया। इसके बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की तहरीर दी है। ताबिश मिर्जा, बिजनौर। जी, मैं सतीश कुमार, समीरा लाइनमैन। ये रात्रि हमारी बिजली सुचारू रूप से चल रही थी और रात को ये घटना चोरों ने अंजाम दिया है। अड़ोस पड़ोस में किसी को कोई लोकेशन का पता नहीं है। बिजली वालों को इसकी खबर नहीं लगी? बिजली वालों को कोई इस चीज़ की खबर नहीं मिली। अगर पड़ोसी को पता चलता तो कोई खबर करता, लेकिन बिजली वालों को किसी ने खबर नहीं दी। अच्छा, ट्रांसफार्मर से क्या क्या चला गया? ट्रांसफार्मर का तेल चोरी हो गया और अंदर की जो कॉपर की जितनी भी सामान थे और पीतल की राड वगैरह थी वो सब चली गई। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।